चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं, मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता, मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता, मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज, और बता दें अब दीपावली और धनतेरस में सबसे ज्यादा सोने चांदी की बिक्री होती है, और ग्राहक पहले ही से माइंड मेकअप करते हैं कि हमें इस समय आकर के जो अपना सोने चांदी का जो खरीदारी है वो करना है। हम बता दें यहाँ पर कई लोग धनतेरस में हम बता दें कि धनतेरस में लोग पहले से ही इस तरह की तैयारी कर लेते हैं कि आखिर क्या खरीदारी करना है। शुभ और अशुभ दोनों देखा जाता है, और इसके हिसाब से ये देखा जाता है कि आखिर हम चयन किस चीज का करते हैं। आप धनतेरस में मानते हैं धनतेरस को? हाँ। धनतेरस में क्या करना चाहिए, क्या करते हैं? सोना चांदी बर्तन खरीदना चाहिए। सोना चांदी बर्तन, पीतल का भी? हाँ। तो आप यहाँ स्टील का भी? तो यहाँ आप कैसे आए हैं, क्या खरीदने आए हैं? बदलने आए हैं मंगलसूत्र। तो हम बता दें ये बहुत आवश्यक है। एक मिनट, ये धनतेरस में लोग सोना चांदी ज्यादा क्या? देखिए, जैसा नाम ही इसका धनतेरस, तो उस दिन आप अगर पैसे को इस जगह पे लगाते हैं जो आपके फ्यूचर वेलबींग के लिए आपके काम आए, तो ज्वेलरी एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें हम पैसा लगाते हैं, यूज भी करते हैं, और गोल्ड का रेट अब जैसे जैसे होता जाएगा तो आपका वो वर्थ भी बढ़ता ही चला जाएगा। अगर मैं कोई ज्वेलरी 10 साल पहले लिया तो उस समय ज्वेलरी का रेट हमको 19,000-21,000 रुपए का भारी, अब पहन भी लिए 10 साल, अभी उसको हम डिस्पोज करेंगे तब भी हमको 30,000 नहीं मिल जाएगा। यानी जमीन और पैसा जो बैंक में रखते हैं उससे ज्यादा गोल्ड खरीदना? यस, अब देखना है। इवन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी 2,000 टन गोल्ड रिजर्व के लिए पैसा को अरेंज किया है, जो हम गोल्ड रिजर्व बनाएंगे। बिकॉज पूरी दुनिया जानती है जिस देश के पास सोना का रिजर्व जितना ज्यादा होगा उस देश की इकोनॉमी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कहा जाता है कि इस पर विश्वास के साथ सोना चांदी खरीदना चाहिए। जमीन पूरे कागजात को देख कर इसे सोना चाहिए। किस तरह आप माइंड मेकअप किए हुए थे, कब से माइंड मेकअप और कहाँ खरीदना इसके लिए क्या? मेरा बड़ा क्लियर फंड है, मैं चूंकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है। ज्वेलरी जो बनती है ना वो प्योर 24 कैरेट में बनती नहीं, तो अब रेट का जो इशू है ना पब्लिक भी अनअवेयर है, और जो छोटे मोटे दुकान वाले हैं ना उस कॉन्सेप्शन पे चलते ही नहीं है। अब सोना का रेट अगर टीवी पे स्क्रीन पे आ रहा है 50,000 रुपए 10 ग्राम का, अब वो 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट है। ज्वेलरी आप 18 कैरेट का ले रहे हो कि 20 कैरेट का ले रहे हो कि 22 कैरेट का ले रहे हो, तो उसका रेट वैरी करेगा ना। लेकिन आम जन अच्छे दुकान में आप जाओगे तो कंप्यूटराइज बिल आपको देंगे, तो उसमें वो कैरेट लिखेंगे, कैरेट का रेट लिखा रहेगा, तो ये एक आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो वो आपको पैसा वर्थ, आप जहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हो ना आपको वर्थ ही लगता है, जो नहीं मैं ठगा सा महसूस नहीं कर रहा, मेरे पास सारा बिल है। तो ये बहुत बड़ा इशू है सोने की खरीदारी में खासकर, और लोग आज हमने सुना था 1% कुछ ले जाता है, इंश्योरेंस स्कीम भी उसका कुछ है, अगर आप सोना चांदी लेते हैं बिल पर 1% या कुछ उस समय चल रहा था, तो वो आपका सुरक्षित है, अगर चोरी भी कहीं हो जाती है तो वो तो अब देखिए, जहां तक अब हर एक वैल्यूबल आर्टिकल का, अगर एप्पल का फोन ही आप आईफोन खरीदते हैं तो आप वहां पे उसका एक्सीडेंटल डैमेज वारंटी ले लीजिए, लॉस थेफ्ट की गारंटी ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, तो उसके लिए आपको कुछ पे करना होगा, 5,000-10,000 आप पे कर दिए आप निश्चिंत है। जब भी मेरा खो भी जाता है तो आई नीड टू गो फॉर थाना फॉर सना, और कुछ नहीं करना है। क्या नाम? डॉक्टर आशीष कुमार, मैं मैनेजमेंट के बच्चों को पढ़ाता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। थैंक यू। देखिए, एक मैनेजमेंट पढ़ाने वाले की सोच कितनी क्लियर है, क्लियर फंडा होना चाहिए। देखिए, लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए हैं। डब्लू सेठ, आपको हम बता दें, एक नाम है जिसको सब जानते हैं, और प्रसिद्ध नाम होने के कारण सोने की क्वालिटी, जैसे उन्होंने कहा
कि 24 कैरेट है, 20 कैरेट है, 22 कैरेट है, जब पक्का बिल मिलेगा और उस बिल में जो स्कीम है उसके साथ अगर इंश्योरेंस होता है ताकि आपका अगर कहीं मिस भी हो जाता है तो आपको उसका लाभ मिल सकता है। देखिए यहाँ पर मजे हमारे साथ संतोष लाड जी हैं जो जानना चाहेंगे आखिर ये जो धनतेरस लोग किस चीज का चयन करते हैं, किस तरह? देखिए ये पुरानी परंपरा है अपने यहाँ कि धन की देवी लक्ष्मी पीला धातु से पसंद होती है उसको, इसलिए लोग खूब धनतेरस के दिन पीला धातु सोना में, जेवर में या चांदी में इन्वेस्ट करते हैं और इससे उनके घर में उनको ऐसा लगता है कि आगे भी धन की लक्ष्मी विराजमान रहेगी। एक कंसेप्ट आ रहा है कि 24 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, छोटे छोटे दुकान अलग तरह से उसको 24 कैरेट के रूप में ही बांटते हैं, आप क्लियर कंसेप्ट दे सकते हैं ग्राहकों को क्या आखिर यह 20 का 24 का जो बनता है ज्वेलरी? देखिए ज्वेलरी जो है आमतौर पर कोई 20 या 24 में नहीं बनती, या तो 18 कैरेट में बनती है या 22 कैरेट में बनती है और दोनों का पर्टिकुलर रेट अलग होता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि किसी भी प्रतिष्ठान से आप खरीदें लेकिन पक्का बिल ही में खरीदें, कभी भी ज्वेलरी में कच्चा बिल ना लें क्योंकि दुकानदार से आप 3% बचा पाएंगे बट आप कितना परसेंट ठगे जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। एक चीज आज है स्कीम की जितना रेट है उसका 1% इंश्योरेंस स्कीम होता है, अगर चोरी भी चली गई बिल आपके पास है तो आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। हाँ हाँ वो स्कीम अभी एप्लीकेबल नहीं हुई है, आने वाली है, 1% एक्स्ट्रा चार्ज देने पे आपके घर से अगर ज्वेलरी चोरी होती है तो उसका इंश्योरेंस अगर आप थाने में FIR करा लेते हैं तो आपको मिलता है। इस बार धनतेरस चूंकि कोरोना के बाद लोग बहुत संकट में थे अब आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह की आपके पास क्वालिटी का है, कौन सा नया स्कीम है, क्योंकि लोग फिल्म में भी देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, उसको लेके पसंद करते हैं, तो कौन से नए? इस बार लाइट वेट ज्वेलरी ज्यादा पसंद की जा रही है कि कोरोना का इफेक्ट अभी भी मार्केट पे दिखता है, तो लोगों का बजट चूंकि थोड़ा कमा है तो लोग हल्के वजनों में ही ज्यादा ज्वेलरी लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इस बार साउथ की एंटीक ज्वेलरी का भी कलेक्शन लाया है। रेट में क्या अंतर आ रहा है? रेट तो अभी अच्छा है, रेट 3 साल से लगभग स्टेबल है और अभी खरीदारी करने का अच्छा समय है और स्पेशली धनतेरस पर आपको छूट मिलती है, हमारे यहाँ गिफ्ट भी है, तो मैं तो ये कहूंगा कि इन 3 दिनों में जरूर इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो हम बता दें जगरू सेठ कहा जाता है कि नाम ही काफी है, एक बार हम आपको फिर दिखाना चाहते। देखिए खरीदारी करने से पहले सोचिए, जैसे उन्होंने कहा आप जमीन खरीदते हैं कागज के अलावा स्थल का पूरी तरह निरीक्षण करते हैं, एक एक चीज देख के करते हैं, यही तय करना है आपको। ज्वेलरी जहां से भी खरीदे, लोग हमेशा खरीदता नहीं है, जब भी खरीदता है एक प्लानिंग बना के करता है, सोच समझ के करता है ताकि उसकी कीमत भी बढ़ती है और उसके अलावा आप सुरक्षित हैं। अगर अगर आप पक्का बिल के साथ खरीदते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि आपके लिए फायदेमंद है। तो धनतेरस में खूब खरीदारी करें लेकिन पूरी तरह सोच समझ कर, क्योंकि हम आपको अभी आदित्य विजन एवं इलेक्ट्रॉनिक और ज्वेलरी दुकान का दिखा रहे हैं, देखिए क्योंकि आपको हम पर है भरोसा और हम दिखाते हैं सच्चाई। धन्यवाद।